गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लेसन कर रहे हैं किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। इसमें हमने चीफ्स एंड चीफ्टम्स के बारे में पढ़ा था, सरदार एंड सरदारी के बारे में। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसमें, इस लेसन में सारा कुछ हम राजा के बारे में पढ़ेंगे, किसानों के बारे में पढ़ेंगे, नगरों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य के क्या क्या सोर्स थे, कौन से राजा थे, कौन संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था, अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन था, ये मौर्य साम्राज्य के से रिलेटेड थे। फिर कुछ न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप हैं। साउथ में हमने चोल, चेर और पांड्य को पढ़ा, इनको तमिलकम कहा जाता था। और तमिलकम में क्या क्या शामिल था, तो तमिलकम में आंध्र प्रदेश एंड केरला, तमिलनाडु ये शामिल थे, उनको तीनों को मिलाकर तमिलकम कहा जाता था। नेक्स्ट करते हैं हम, वी नो अबाउट दीज स्टेट्स फ्रॉम ए वराइटी ऑफ सोर्सेज। फॉर इंस्टेंस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट, यानी कि तमिलों का एक ग्रंथ है, जैसे बौद्ध ग्रंथ होते हैं, जैन ग्रंथ होते हैं, वैसे ही तमिल ग्रंथ था। उस तमिल ग्रंथ को संगम कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था तमिल ग्रंथ को? संगम। पूछ लिया जाता आपका कि तमिल टेक्स्ट कौन सा था, तो संगम, या फिर पूछ लेंगे कि संगम क्या था, तो तमिल टेक्स्ट। कंटेन पोएम डिस्क्राइब चीफ्स एंड द वेज इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। मैनी चीफ्स एंड किंग्स, बहुत सारे जो राजा थे, सरदार थे, इंक्लूडिंग द सातवाहन्स, तो इनमें सातवाहन थे। ये सातवाहन है जो एक वंश था, एक डायनेस्टी था, हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। जो इन्होंने रूल किया था वो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया में किया था। एंड द शक, अब ये शक है जो, शक भी क्या है, एक डायनेस्टी है। ए पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन हु इस्टेब्लिश्ड किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर सातवाहनों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कहाँ रूल किया, फिर शकों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कहाँ रूल किया। तो ये अलग अलग डायनेस्टी है। डाइवर्ट रिवेन्यूज, रिवेन्यूज क्या होता है, कर संग्रह करना, भू राजस्व, फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो ये जो राजा थे इनसे रिलेटेड, सातवाहन से, शकों से, तो ये लंबी दूरी का जो व्यापार होता था उससे भू राजस्व एकत्रित करते थे। देयर सोशल ओरिजन, उनका जो सामाजिक उत्पत्ति है, वर ऑफ्टन ऑब्स्क्योर, बट एज विल सी इन द केस ऑफ द सातवाहन, वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्ट टू क्लेम सोशल स्टेट्स इन ए वराइटी ऑफ वेज। ठीक है, बस ये छोटी छोटी दो डायनेस्टी आई है हमारे पास, सातवाहन है। इनके ना तो राजा के बारे में यहाँ आपको बताया गया है, ना किसी और के बारे में। सातवाहन का संस्थापक मैं वैसे आपको बता देती हूँ, सिमुक था। और जो शक थे, शकों में रुद्रादमन आ जाता है। तो इस तरह से ये थे राजा। आगे करते हैं हम, डिवाइन किंग्स, कि राजा ना स्वयं को एक देवता भी मानते थे। कुछ राजाओं को ये था कि हम तो भगवान हैं। तो अब ऐसे ही हम इस पैसेज में पढ़ेंगे। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद द वैरायटी ऑफ डिटाइट्स। दिस ट्रेजिट इज बेस्ट एग्जाम्पलाइड बाय द कुषाण। अब जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी सी तक है,
तो वो कुषाण आते हैं। कुषाण भी एक डायनेस्टी है हु रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम, जो उसका वास्ट था किंगडम यानी कि फैला हुआ था, काफ़ी विस्तृत था, विशाल था साम्राज्य, और कहाँ तक फैला हुआ था, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। देयर हिस्ट्री हैज़ बीन रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन। द नोशंस ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर, यानी कि जो इनके एविडेंस साक्ष्य वगैरह हमें मिले हैं किंगशिप के, वो कॉइन्स यानी कि सिक्के वगैरह जो मटेरियल मिला है, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला, इनसे मिले हैं। इनके द्वारा ही हमें इन डायनेस्टीज के बारे में पता लगा है। कोलोसल स्टैट्यूज ऑफ कुषाण रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन ए सीन एट मार्ट नियर मथुरा, कि कुषाण जो राजा थे इनके काल में जो मूर्तियां एक मिली हैं, वो मूर्तियां मथुरा में मार्ट है उसके नज़दीक मिली है, और ये मथुरा कहाँ है, यूपी में। सिमिलर स्टैचू हैव बीन फाउंड इन ए सीन इन अफगानिस्तान एज वेल, ऐसा ही एक स्टैचू अफगानिस्तान में भी मिला है। सम हिस्टोरियंस फील दिस इंडिकेट दैट द कुषाण कंडीशनर देमसेल्व्स गोल्ड लाइक, तो कुछ कुषाण इंडिकेट करते हैं कि कुषाण है ना स्वयं को भगवान के जैसा समझते। मैनी कुषाण रूलर्स आल्सो अडोप्टेड द टाइटल देवपुत्रा, कि बहुत सारे जो कुषाण थे उन्होंने एक उपाधि, टाइटल मीन्स होता है उपाधि, उन्होंने एक उपाधि ले रखी थी, वो थी देवपुत्र। कुषाण स्वयं को देवपुत्र कहते थे, उस देवपुत्र का अर्थ क्या था, देव मीन्स देखो देवता, पुत्र मीन्स हो गया बेटा, यानी कि देवता का बेटा, और इसका मीनिंग भी उन्होंने क्या निकाला है, सन ऑफ गॉड। पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स हु कॉल्ड देमसेल्व्स सन्स ऑफ लाइट, इन्होंने अपने आप को देवपुत्रा कहा, इन्होंने किससे मतलब ये चीज़ें देखकर किससे इंस्पायर हुए, ये तो चाइनीज रूलर थे, चाइनीज रूलर है ना, तो उनको यानी कि स्वर का पुत्र कहते थे, तो उनसे ये काफ़ी इंस्पायर हुए और अपने आप को सन ऑफ गॉड या फिर देवपुत्रा कहा जाने लगा। बाय द फोर्थ सेंचुरी देर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्त एम्पायर, तो अब हम फोर्थ सेंचुरी में हैं, जो एविडेंस वगैरह हमें कुछ स्टैचू मिले हैं, स्टेट्स मिले हैं, तो गुप्त एम्पायर के बारे में मिले हैं। गुप्त एक डायनेस्टी है, साम्राज्य है। मैनी ऑफ दीज डिपेंडेड ऑन सामंत्स, जो कि सामंत वगैरह पे डिपेंड थे। मैन हु मेंटेनड देम सेल्वज थ्रू लोकल रिसोर्सिस इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड, तो जो लैंड से मतलब भू राजस्व एकत्रित करना, उस पर नियंत्रण रखना, वो सामंतों का काम होता था। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स, पावरफुल सामंत वुड बिकम, जो पावरफुल रूलर थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। पावरफुल सामंत्स कुड बिकम किंग्स, और धीरे धीरे वो पावरफुल किंग्स क्या बन गए, राजा बन गए। वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्व्स बीइंग रिसीव्ड टू पोजीशन ऑफ सबॉर्डिनेट हिस्टोरियन, जो द गुप्ता रूलर्स हैव बीन इंक्लूडिंग परिस्थिति कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स इन पार्टिकुलर एंड पार्शन ऑफ जनरल बाय पोइट्स।